रुको रुको दोस्तों, किसी वीडियो में आपको जर्मन शेफर्ड इतने नहीं दिखे होंगे। और ये सारे लॉन्ग कोट हैं, और यहाँ पर मैं आया हूँ ये देखो। और इस भाई ने सबसे बड़ी खासियत है, इस भाई ने कहा कि मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए ब्रीडिंग से। भाई साहब पहला ब्रीडर मिला है जो हिंदुस्तान में, जिसने खुद बोला मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए। आइए जानते हैं कैसे इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। पहले ये क्वालिटी देखो इनकी, ये देखो भाई क्या क्वालिटी है यार, मस्त कुत्ते रखे हुए हैं, पूरी इनकी केयर की जाती है। चीना भाई, हाँ जी, क्या हाल है? बहुत अच्छे जी। और कितने करोड़ कमा लिए तुमने एक साल में? एक साल में तकरीबन 1 के आसपास पहुंच गए जी। 1 करोड़ कमा लिया? हाँ। भाई साहब 1 करोड़ रुपया ब्रीडिंग में कमाना बहुत मुश्किल है, मतलब मेहनत कितनी की होगी। भाई साहब कितने लॉन्ग कोट अभी? मेरे पास तकरीबन 25-30 लॉन्ग कोट्स हैं। तो 1 करोड़ कैश कमाया या रखा हुआ कहीं संभाल के? अरे आपको पता है बहुत सारे खर्चे भी होते हैं डॉग्स के, आते जाते रहते हैं पैसे, आते जाते रहते हैं। और ये मैं चीने का पहले मैं बता देता हूँ, ये भाई साहब ने इधर भी फार्म बनाया हुआ है अपना, और ये भी फार्म बनाया हुआ है, मतलब 2-3 फार्म बना दिए अपने इस गांव में। और सारे लॉन्ग कोट, कितने कुत्ते हैं अभी लॉन्ग कोट के? 25-30 के आसपास है अपने। बाकी ये तो कुछ ये अभी नया लेके आए हम इम्पोर्ट डॉग, ये तकरीबन हमें पड़ गया 11,10,000 का। 11,10,000 का? हाँ, ये सर्बिया में SG3 लगा हुआ है, सर्बिया में विन है ये। अच्छा, 11 लाख का कुत्ता? हाँ, 11,10,000 का पड़ा हमें ये दिल्ली आते आते, जो दिल्ली का खर्चा वो नहीं डाला अभी इसमें। तो 1 करोड़ रुपया जो कमाया तुमने, वो उसमें मीटिंग कितनी दी बाहर? मीटिंग तो अब याद ही नहीं है, मैंने लिखा हुआ है कॉपी पे, एक हमारी मीटिंग जो है 50,000 के आसपास डॉग की मीटिंग है, इसकी हमने रखी हुई है। जो हमारे डॉग के पपीज होते हैं वो 50,000 से शुरू होते हैं, सस्ता पपी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर हम सस्ता पपी सेल करेंगे तो इतनी कमाई नहीं हो पाएगी, और अच्छी क्वालिटी हमारे पास तो महंगा तो जाएगा ही। तो कितने जर्मन शेफर्ड हैं अभी? अभी यहाँ पे तो 10-12 खुले हुए हैं, कहीं कोई उधर पीछे गए हुए हैं, कुछ ये हैं, बाकी अंदर। भाई साहब इनको ना इकट्ठे ही नहीं हो रहे, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, वैसे ये फार्म ही है, वैसे खुला रहते गांव में घूमते रहते हैं बहुत। हमने अंदर AC भी लगा रखा है इनको। अच्छा, AC एक नहीं है, 2-3 AC लगे हुए हैं, इतने डॉग्स को 1 AC तो काम ही नहीं करेगा। तो बाकी अंदर है डॉग्स, ये सिर्फ खुले हुए हैं, जितने खुले हमने खोल दिए हैं। अच्छा, और ये देख लो दोस्तों इनकी क्वालिटी की समझ आपको ज्यादा होगी, पर भाई साहब ये देखो ये लॉन्ग कोट, और 1 करोड़ रुपया इस भाई ने कमाया, और पहला ब्रीडर मिला जिसने सच्चाई से बताया कि मैंने इतने पैसे कमा लिए। तो चीना भाई, वैसे बच्चे कितने हो जाते हैं, लीटर कितने होते हैं अपने? लीटर जी अभी मेरे पास प्रेजेंट में 5 कुत्तियां हीट पे हैं। अच्छा, 5 कुत्तियां, अभी 5 मीटिंग होंगी। देखो जितने भी फीमेल्स ने, एक फीमेल 5-6 बच्चे तो देती है मेरी। एक फीमेल ने, यहाँ पे शेडो है ब्लैक फेस वाली, ये वाली, अच्छा ये वाली, इसने 9 बच्चे दिए थे। इसने 9 बच्चे दिए हैं, हीट पे है ये। अच्छा, दूसरा तीसरा दिन है अभी, फिर इसको इंपोर्ट से मीटिंग करवाएंगे, तो जितने भी बच्चे आ जाएं भगवान की कृपा से आ जाएं। अच्छा जी, तो भाई ये हर हीट पर बच्चे ले लेते हैं उनके? देखिए जो फीमेल अडल्ट हो जाती है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो उसको ले लेते हैं बच्चे, अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, अगर वो पपी है छोटी है, तो उसको बच्चे नहीं लेने चाहिए। तो खर्चा क्या आता है वैसे 1 करोड़ कमाने के लिए, कितने पैसे खर्चने भी पड़ेंगे? जैसे ये डॉग हमने मंगवाया है 11 लाख का पड़ गया ये, 11,10,000 का पड़ गया ये, तो खर्चा तो इसका डेली हम इनको चिकन चलता है, तकरीबन 1 किलो एक डॉग चिकन खाता है, आप देख लो चिकन के कितने पैसे। बाकी रॉयल कैनन पपीज को हम फीड खिला रहे हैं, आपको पपीज भी दिखाते हैं, मेरे पास पपीज भी हैं, हम पपीज की क्वालिटी देखेंगे, इंडिया में किसी के पास ऐसी क्वालिटी होगी पपीज की? ओ भाई ये क्वालिटी देख लो, नीचे कमेंट जरूर करना। ये पहला ब्रीडर मिला है जिसने 1 करोड़ रुपया दावा किया मैंने एक साल में कमाया। तो ये वैसे कितने साल हो गए तुम्हें काम करते हुए? मुझे 2008 से। 2008 से मैंने, हमने पहले भी वीडियो बनाई थी तकरीबन 2 साल पहले आपके स्कूपर्स पे। अच्छा, उस पे भी तकरीबन अच्छे व्यूज मिले थे, हमने उस पे भी जर्मन शेफर्ड दिखाए थे, उस पे भी लॉन्ग कोट इम्पोर्ट थे। तो बच्चे बिके थे स्कूपर से क्या? बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बिके थे। और ये क्वालिटी देख लो, ये बी आई है, ये इम्पोर्ट है? ये भी इम्पोर्ट है, ये तकरीबन इसको जी इसकी उम्र हो गई 6 साल। अच्छा, तो ये है पोलैंड से इम्पोर्ट, पोलैंड का चैंपियन डॉग है ये। पोलैंड कहाँ पर हुआ? पोलैंड। अच्छा, पोलैंड है कोई जगह? पोलैंड कंट्री है ना जो। अच्छा, वहां से इम्पोर्ट है और पोलैंड का चैंपियन डॉग है ये। ठीक है, और ये इसने घर भी बना लिया हुआ है, घर है, और ये कैनल है, और ये कैनल यहाँ पर है। और भाई साहब मेहनत ये इतनी करते हैं, कितने बंदे रखे हुए हैं आपने कैनल में? 3 बंदे हैं जी। 3 बंदे हैं इस टाइम। अच्छा, 3 बंदे संभाल लेते हो सारे? हाँ हाँ, क्योंकि मैं खुद डॉग्स की केयर टेक आप करता हूँ, ये नहीं कि बंदों को भी छोड़ दो। अच्छा, खुद केयर टेक आप करोगे तो आपके डॉग्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, नहीं तो आपको पता ही है जिनको नॉलेज नहीं है बंदों को, तो वो क्या इतनी टेक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों शेयर कर देना इस वीडियो को। देखो जर्मन शेफर्ड क्वालिटी आप देख सकते हो आपके सामने है, ये बड़ा 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 अच्छा बच्चा है यार, इसको लाना जरा। ये फीमेल है, शेडो। ये शेडो फीमेल है, अभी हीट पे है ये, अभी इसको मेट करवाएंगे इससे।
इस डॉग से मीटिंग होगी इसकी। अच्छा इसके साथ मीटिंग होगी, इसके साथ इसको पेयरिंग करेंगे हम। चलो अपने बच्चे दिखाओ जल्दी जल्दी फिर। बच्चे मैं अभी दो मिनट में दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख लो आप क्वालिटी, ये आप इस गांव में आके बच्चा लीजिए वो सबसे अच्छी बात है। कोई आए आपको तो, वो तो नहीं है? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे हमारी वीडियो सॉरी लोकेशन भी डली हुई है, शीना डॉग फार्म। आप गूगल पे सर्च करोगे तो सीधा मेरे चैनल की यही लोकेशन आएगी। तो 1 करोड़ बैंक में रखा हुआ है या जगह जुगा ले ली उसकी? बर्त लिए जी, ये बाकी कुछ हमारे पास बड़े हैं, कुछ हमने घर बना लिया, कुछ हमारे अभी डॉग्स भी लेके आएंगे। अभी एक और इम्पोर्ट की बात चल रही है, वो भी 12-13 लाख का कुत्ता है। ऐसे ही खर्च हो जाते हैं पैसे, ऐसे निकल जाते हैं भाई। ये देख लो कुत्ते सारे, और ये क्वालिटी आप देख लो, मैं पीछे हो जाता हूँ। ये सारे कुत्ते एक जगह इकट्ठे ही नहीं हो रहे। और टोटल कितने जर्मन शेफर्ड है आपके पास? 25-30 जर्मन शेफर्ड। हाँ। एक ही कैनल में 30 जर्मन शेफर्ड आपको मिल जाएंगे। और ये देख लो डॉग शो भी करते हो ना? हाँ, शो भी करते हैं हम। तो कितने मतलब जीता जूता भी है कोई कुत्ता इंडिया में? बिल्कुल, हमारे मेरे पास पहले ब्रूनो था, वो चैंपियन बना हुआ है। अच्छा। हाँ। और ये देख लो इनकी क्वालिटी, हर कुत्ते की मतलब पहली बात है केयर है। ये नहीं है कि पैसा ही अकेला कमा रहा है, हर कुत्ते की ब्रशिंग प्रॉपर हुई पड़ी है, कंडीशन सभी की अच्छी है। ये देख लो मैं पास होके कह देता हूँ, अब इनके दिखाते हैं बच्चे क्या प्रोड्यूस ये करते हैं। दिखा। और दोस्तों ये देखो, ये इसका बाप है, ये थोर है इसका नाम, ये वाले डॉग का। और ये क्वालिटी देख लो आप, और ये बच्चे मिल जाएंगे ऐसे। और ये कितने दिन के बच्चे हैं? ये अभी हुए 35 डेज के। तो इनका क्या ख्याल करते हो बच्चों का? बच्चों का जी अच्छी डाइट दे रहे हैं, माँ का दूध अच्छा पिया इन्होंने, वैक्सीन लग चुकी है। तो कितने दिन में देते हो बच्चे लोगों को? बच्चे 45 डेज के बाद। अच्छा 45 डेज के बाद। हाँ, दो वैक्सीन हो जाती हैं तब तक। अच्छा, डीवॉर्मिंग हो जाती है तब तक। और देख लो ये क्वालिटी देख लो आपको कैसी लगी दोस्तों, नीचे कमेंट जरूर करना। 1 करोड़ कमाने वाला ब्रीडर, और ये सच्चाई है, बिल्कुल सामने एक्सेप्ट भी कर रहा है। छापा मारना होगा मार लेना, कोई चक्कर नहीं। ये देख लो कुत्ते इनके सारे, ये देखो क्वालिटी भाई साहब, क्वालिटी देख के मजा आ गया। और पिछले साल से अच्छी क्वालिटी है, 2 साल पहले जो वीडियो बनाई थी इतनी क्वालिटी वाले बच्चे नहीं थे। हाँ, चलो पैसा कमाया तो लगाया भी है। तब उस टाइम पपी हुए नहीं थे, जब आपने वीडियो बनाई उस टाइम पे पपी नहीं थे। अच्छा, तो अब इस टाइम पे पपीज हैं, और इस टाइम पे नया डॉग भी आ चुका है। तो महीने में कितने लीटर हो जाते हैं? महीने में देखो अभी फीमेल है, प्रेजेंट में 5 हीट पे है। अच्छा, ठीक है। तो अगर 2 महीने बाद लगाओ तो 5 बच्चे देंगी, अगर 1-2 मिस ना हो तो। भाई ये वीडियो देख के कोई बंदा ऐसे ही ना कुत्ते रख लेना, पीछे बहुत मेहनत होती है, जगह भी आपको चाहिए। ये सारी जगह इन्होंने अपनी यूज की हुई है, ऐसा नहीं है किराए पर ली हुई है, ये सारी जगह इनकी अपनी है। और ये देख लो ये गाड़ी गुड़ी सब कुछ इनका ही है, और ये इनका घर है, और ये इनके 2 फार्म है। आप भी अगर चीना के पास आना चाहते हो आइए, ये गांव है अमृतसर के पास, आके इनके बच्चे भी देखिए, क्वालिटी भी देखिए, मदर फादर देखिए, फिर बच्चा लीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।